बिहार में निगरानी जांच से छूटे 93,000 फर्जी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। सरकार के आदेश के मुताबिक 17 जुलाई तक जिला के NIC पोर्टल पर जो शिक्षक सभी जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे उनकी बहाली फर्जी मानते हुए हटा दिया जाएगा। निगरानी जांच में सर्टिफिकेट फर्जी मिलने पर नौकरी से हटाने के साथ ही वेतन की रिकवरी भी होगी। फर्जी शिक्षकों के मामले में बुधवार को शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने सभी DEO और DPO स्थापना को दिशा निर्देश जारी किया है। इसके पहले सभी जिलों के पोर्टल पर ऐसे लगभग 93,000 नियोजित शिक्षकों के नाम स्कूल अपलोड किए जा चुके हैं। अब इन शिक्षकों से उनका सर्टिफिकेट अपलोड कराना है। 2006 से 2015 तक विभिन्न नियोजन इकाइयों से बहाल शिक्षकों में 1,00,000 शिक्षकों के फोल्डर निगरानी को जांच के लिए नहीं मिले थे। बाद में पिछले दिनों समीक्षा में पाया गया कि इसमें अब 93,000 शिक्षक ही ऐसे बचे हैं। पिछले काफी दिनों से जांच में छूटे शिक्षकों के नाम NIC वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा था। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के दौरान शुरुआती दौर में भारी गड़बड़ी देखने को मिली थी। नियोजन इकाई पर काबिज लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर नियोजन को अंजाम दिया। जब मामला सामने आया तो ऐसे फर्जी शिक्षकों का डॉक्यूमेंट ही गायब कर दिया गया। नियोजन इकाई के इसी धांधली को अब खत्म करने के लिए विभाग ने ये कदम उठाया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोरोना में अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद।